इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर मुकदमात। लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एंटी करप्शन हुकाम ने 14 रोज जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला नून लीग से है। बिलावल भुट्टो ने साबिक इत्तेहादी जमात को टारगेट कर लिया। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड पर तमाम इत्तेहादियों से बात होनी चाहिए थी, अगर ऐसा होता तो इस किस्म की शिकायत ना होती। एक जमात प्रोपेगेंडा और किरदार कुशी की माहिर है। नवाज शरीफ वापस आए और हमारी तरह मुकदमात का सामना करें, हमें इंतखाबात की तारीख में नजर नहीं आती। नवाज शरीफ के कमबैक्स हमेशा उनके सेटबैक से बढ़कर रहे। वो हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस लौटे। मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले किरदार अंजाम को पहुंचे। साजिशी अनासर जिल्लत समेट कर रुखसत हुए। आसमान का निजाम हरकत में आता है तो कोई रोक नहीं सकता। सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, एमक्यूएम पाकिस्तान का शिकवा। नई हल्का बंदियों और सिंध में ट्रांसफर पोस्टिंग पर शदीद तहफुजात का इजहार। निगरान सेटअप को 15 साल की हुकूमत का तसलसल करार दे दिया। फारूक सत्तार कहते हैं, तहफुजात इलेक्शन कमीशन को बता दिए, उम्मीद है अजाला होगा। भारत की रियासती दहशतगर्दी दुनिया के सामने आश्कार। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत का हाथ होने की तस्दीक। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के सरबरा को मुल्क से निकल जाने का हुक्म। भारतीय मुदाखलत को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। पार्लियामेंट से खिताब में बोले, कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी दूसरी हुकूमत का मुलव्वस होना खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। ऐसे अमल की इजाजत नहीं दी जा सकती। भारतीय हुकूमत मामले की तह तक पहुंचने में तावुन करे। प्रदीप सिंह को रवां साल जून में कत्ल किया गया था। मोदी सरकार की हजीमत मिटाने की नाकाम कोशिश। संगीन इल्जामात का जवाब देने के बजाय भूंडी हरकत। कैनेडियन सफारतकार को 5 दिन में मुल्क छोड़ने का हुक्म। सीनियर कैनेडियन सफारतकार पर अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और भारत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम आयद किया गया। और लाहौर में वक्फे वक्फे से बरसात। जलथल एक नशेबी इलाके ज़रियाब गलियां बाजार नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। शहरी घरों में महसूर, सड़कों पर पानी जमा, वासा कमला गायब। मोटरसाइकिल और गाड़ियां बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। बारिश के बायस नहर ओवरफ्लो। फिरोजपुर रोड अंडरपास में भी पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर।